हिसार लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के चुनाव प्रचार को लेकर हांसी नगर पार्षद अजय सैनी व कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद मेहता ने शहर के विभिन्न बाजारों में जाकर अपनी टीम के साथ भव्य बिश्नोई के लिए वोटों की अपील की और लोगों को कहा कि आपका एक एक वोट शहर के विकास के लिए, तरक्की और उन्नति के लिए भव्य बिश्नोई को वोट दे ताकि आपके क्षेत्र का पूर्ण रूप से विकास कराया जाए। हाँ जी मास्टर जी ले रखे ठीक है बोर्ड दे आपने आपका बहुत इंटर में करना समर्थन नहीं भव्य बिश्नोई जी का समर्थन ही है सारे आप देख ही रहे हो अभी बाजार में आप घूम रहे हैं हर वोटर को एक बड़ा चाह है कि युवा साथी है छोटी उम्र का साथी है बाहर पढ़ के आए और हमारे हरियाणा के लिए हिसार के लिए उसकी बहुत अच्छी सोच है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। आपको कितनी उम्मीद लगती है कितने वोटर से हंसी हल्के से? नहीं मुझे तो उम्मीद ही है कि कोई मुकाबला ही नहीं मैंने कितने फिर भी कितने वोटर से मान रहे हो जो उम्मीद की बात ही नहीं है कि एक तरफा जीत रहेगी आप खुद देख रहे हो कि कहीं चौटाला परिवार की बात करते हैं तो अलग अलग आपस में इनकी लड़ाई चल रही है और बीजेपी की अगर कहीं बात करते हैं तो मोदी जी के बारे में सबको पता लगा हुआ है और मनोहर लाल खट्टर जी ने यहाँ किया क्या किया है सबको पता है। एक कुलदीप बिश्नोई जी है जो हरियाणा का भला कर सकते हैं और भव्य बिश्नोई जी को यहाँ से जिता कर भेजू। चौधरी कुलदीप बिश्नोई ज्यादा विश्वास रखती है और अपने परिवार को टिकट दे के आगे मैदान में लाती है तो आप इसके बारे में? नहीं परिवार का तो मैटर ही नहीं होता होता। जब एक बात बताओ मेरे को आप कि मोदी जी ने आज जो भी किया है टीवी पे मोदी जी कहीं 15 लाख की बात डली थी भी खातों में डलेंगे विकास होगा आज 80 के विकास के बाद अभी हमारा ना कैमरा देखो कितना बुरा हाल है अभी आपके सामने कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं कहीं विकास का नाम नहीं और विकास पे वोट लेना चाहते हैं मोदी जी कहाँ से मिलेंगे? नहीं वीरेंद्र सिंह के लड़के भी मैदान में हैं उनके पिताजी भी मंत्री हैं उनकी माता भी है वो देखो उनके उनके बारे में हमें इसलिए नहीं सोचना पड़ा वीरेंद्र जी के बारे में या उनके कहीं बेटे के बारे में कहीं मामला है ही नहीं यहाँ तो अभी भव्य जी के अलावा और कोई बात नहीं है। यानी आपको लगता है भव्य जी अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे? धन्यवाद।